इस क्लास में हम लोग बात करेंगे विब्रियो कोलेरी के बारे में। विब्रियो कोलेरी, ये विब्रियो कोलेरी एक तरह का ग्राम नेगेटिव कोमा के शेप का और जिसके एंड राउंडेड होते हैं और जिसकी लंबाई लगभग 1.5 टू 2.5 माइक्रोमीटर और जिसकी चौड़ाई 0.5 टू 0.8 माइक्रोन की होती है। ये बैक्टीरिया कोमा शेप के होने के कारण इसको हम कोमा विब्रियो भी कहते हैं। इसमें एक सिंगल फ्लेजिलम पाया जाता है जिसके कारण ये अत्यधिक मोटाइल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गतिशीलता हमको प्रदर्शित करता है। ये नॉन स्पोरिंग होता है, यानी कि इसके द्वारा स्पोर नहीं बनाए जाते हैं और ये कैप्सूल में नहीं पाया जाता, इसलिए नॉन कैप्सुलेटेड होता है और इस पर जो है AFV स्टेन में जो है एसिड का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन एसिड फास्ट भी कहते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ये मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के बाद हम देखते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे कि ये ऑर्डिनरी मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया में किस प्रकार की अपनी कॉलोनी शो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक तरह का जो है एरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक जो है बैक्टीरिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में दोनों में ये ग्रोथ कर सकता है और इसको ग्रोथ करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे और 7.4 टू 9.6 पीएच मान पे ये अच्छे से ग्रोथ करता है। ये जो है बिलो 6 पीएच जीवित नहीं रह पाता, यानी कि एसिडिक मीडियम में ये ग्रोथ नहीं कर पाता। ऑर्डिनरी मीडिया के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद यह मॉइस्ट, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट 1 to 2 mm की परिधि की कॉलोनी का निर्माण करता है। दूसरा है ऑर्डिनरी मीडियम में मेकोंकी अगार मीडियम। इसमें ये कलरलेस तथा प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन में है पिंक कलर की कॉलोनी का निर्माण करता है। ऑर्डिनरी मीडिया में तीसरा मीडिया है अगार मीडिया, अगार ब्लड अगार मीडिया। इसमें यह हीमोलाइसिस प्रोड्यूस नहीं करते और कॉलोनी के चारों तरफ हरे रंग का डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया। एक्चुअली में ये जो है स्पेशल मीडिया के टाइप हैं, स्पेशल मीडिया के टाइप हैं ये दोनों, ट्रांसपोर्ट और इनरिचमेंट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में हम वेंकट रमन रामकृष्णन मीडिया का उपयोग करते हैं। यह एक तरह का आइडियल मीडियम होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को कई हफ्तों तक सुरक्षित रख सकता है और इसको हम पेट्री डिश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। यह मीडियम जो है स्टूल स्पेसिमेन को विब्रियो कोलेरा के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को कम कर देता है, यानी कि स्टूल के स्पेसिमेन में दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको ये उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा और जो है विब्रियो कोलेरी के ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। इसके अलावा बाइल पेप्टोन ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है और कैरी ब्लेयर मीडियम भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया के रूप में हम एल्कलाइन पेप्टोन वाटर और मंसूर मीडियम का उपयोग करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट मीडिया के कैटेगरी में आते हैं और अच्छे ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बाद आइए हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में या पैथोजेनेसिस के बारे में। तो ये एक तरह की एक्यूट डायरियल डिजीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं कोलेरा या फिर हैजा, हिंदी में इसको हैजा कहते हैं, जिसके अंतर्गत मरीज को बहुत ज़्यादा इफोर्टलेस वोमिटिंग और राइस वाटरी स्टूल होता है, यानी कि चावल के माड़ के समान जो है उसके मल दिखाई देते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी की कमी होने के कारण जो है उसकी रीनल में अर्थात किडनी में यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता और उसको एन्यूरिया हो जाता है। एन्यूरिया मीन्स जो है अगर किसी को 24 घंटे में बिल्कुल भी यूरिन ना आए तो उसको हम कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूरिया। ये हैजा नामक बीमारी या कोलेरा नामक बीमारी जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित करती है, जो मुख्यतः संक्रमित भोजन और पानी लेने के बाद होता है। इस बीमारी की रोग उद्भवन काल अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड
छः घंटे से लेकर 3 दिनों तक होती है। अर्थात इस बैक्टीरिया को संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी से ग्रहण कर लिया जाए तो सिम्टम्स 6 घंटे से लेकर 3 दिनों के भीतर उभरने लगते हैं। जैसे ही इस बैक्टीरिया को संक्रमित भोजन या पानी के साथ इंजेस्ट कर लिया जाता है तब ये आमाशय में पहुंचकर गैस्ट्रिक एसिड बैरियर को पार करते हुए छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत में पहुंचने के बाद क्षारीय माध्यम में वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वहाँ की म्यूकोसा में, हमारे छोटी आंत की म्यूकोसा में लोकलाइज्ड हो जाते हैं और वृद्धि करते हुए एक खास तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं कोलेरा टॉक्सिन। ये जो कोलेरा टॉक्सिन है जो इस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारी आंतों की ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं जिससे हमारे आंत की जो ग्लैंड्स हैं, सब म्यूकोसा में पाए जाने वाली ग्लैंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तरल या बहुत ज़्यादा फ्लूड एक्सक्रीट करने लगती हैं, सिक्रीट करने लगती हैं, जिससे आंतों में बहुत ज़्यादा फ्लूड भर जाता है और वो फ्लूड जो है लगभग वाइट कलर का होता है और फोमी होता है जो कि स्टूल के साथ डेफिकेट करने के समय बाहर निकलता है तो हमको सफ़ेद रंग का स्टूल दिखाई देता है जिसको हम राइस वाटरी स्टूल कहते हैं। ये जो टॉक्सिन है, जो कोलेरा टॉक्सिन है, ना सिर्फ जो टॉक्सिन उपयुक्त प्रयोग प्रोड्यूस करता है बल्कि साथ ही साथ जो है म्यूसिनेज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। ये म्यूसिनेज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है म्यूकोसा को इसकी पेनिट्रेट करने में मदद करती हैं और ये टॉक्सिन हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी परमियबिलिटी को बढ़ा देते हैं जिसके कारण ब्लड वेसल्स से अत्यधिक प्लाज्मा निकलता है और जो हमारे शरीर के इंटरस्टीशियल स्पेस में भर जाता है जिसके कारण जो है उस रोगी को इडिमा जैसे जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसके टखनों में, उसके चेहरे पर हमको सूजन दिखाई देने लगती है। और इस तरह से आंतों को संक्रमित करने के बाद ये राइस वाटरी स्टूल प्रोड्यूस करता है और स्टूल के साथ साथ बहुत सारा म्यूकस, बहुत सारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, बाइसोडियम कार्बोनेट, वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है जिसके कारण शरीर में जो है बेस की अर्थात क्षार की कमी हो जाती है तो उस रोगी का जो ब्लड है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है अर्थात हम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। शरीर में जो है स्टूल के साथ साथ बहुत सारे आयन और इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर निकल जाता है जिसके कारण जो है शरीर में मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगते हैं यानी कि मरीज जो है कांपने लगता है। बहुत सारा शरीर से पानी निकल जाने के कारण रीनल यानी कि किडनियाँ यूरिन फॉर्म नहीं करते जिससे एनयूरिया प्रोड्यूस हो जाती है। अब पानी की कमी के कारण उस रोगी में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आ जाता है यानी कि रोगी बेहोश हो जाता है, झटके खाने लगता है और उसको शॉक यानी स्तब्धता आ जाती है जिसके कारण उसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के दौरान प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर पानी शरीर से जाता है प्रतिदिन, एक दिन में 15 से 20 लीटर पानी उल्टी के जरिए से या दस्त के जरिए से बाहर निकल जाता है। 60-70% मामलों में रीनल फेल्योर में देखा जाता है कि मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो ये था इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद अब देखते हैं हम इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता, ना TLC में ना DLC में। उसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमको स्टूल टेस्ट करना होता है, मेनली ये बैक्टीरिया स्टूल में ही पाया जाता है और इसके साथ साथ रेक्टल स्वाब भी ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में देखें तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है इस बैक्टीरिया को देखने के लिए, इसकी आकृति को पहचानने के लिए और इसका जो सिंगल फ्लैजिलम है उसको देखकर ये कोमा शेप का बैक्टीरिया आसानी से पहचान में आ जाता है। इसके अलावा हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन भी करते हैं जिसमें यह डार्टिंग मोटिलिटी प्रोड्यूस करता है, इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके ग्राम स्टेन भी करते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया हमको ग्राम निगेटिव के रूप में कोमा शेप का दिखाई देता है। इसके लिए हम स्लाइड एक्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं जो कि एंटी सीरम से करते हैं, एंटीजन से करते हैं, कोलेरा एंटीजन से करते हैं जिससे हमको क्लंपिंग के जरिए से इस बैक्टीरिया के होने की पुष्टि मिल जाती है। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है सप्लीमेंट के रूप में हम फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं। मरीज के शरीर में जो
इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं, ORS देते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज होना आवश्यक है। इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी को हम उसके मरीज के शरीर में हम पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वैक्सीन के रूप में देखा जाए तो किल्ड होल वैक्सीन, किल्ड होल सेल वैक्सीन सबसे पहला, नॉन ओरल भी सब यूनिट होल सेल वैक्सीन, और तीसरा लाइव वैक्सीन। इन सब वैक्सीन का उपयोग हम प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके नोट्स को।